संगम नगरी अपनी अध्यात्म और परंपराओं के लिए जानी जाती है। जैसा कि यह हम जानते हैं कि यह क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, पदमधर जैसे वीर महान क्रांतिकारी पैदा हुए और इन सब के बीच 130 साल पुराना यहाँ का धरोहर मान लिया जाए, गौरव मान लिया जाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि अपने एक सियासी रूप के लिए भी जाना जाता है। यहाँ से बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता निकले और देश का नेतृत्व किए। और यह एक कह लिया जाए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा एक राजनीतिक पाठ्य मान लिया जाए कि यहाँ से शुरू होता है और इसका कार्य क्षेत्र यहाँ का यूनियन हॉल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इलाहाबाद में छात्र संघ को ख़त्म करके और यहाँ पे छात्र परिषद लागू हो गया है, जिसे यहाँ के छात्र नेताओं ने काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है। और मेरे साथ इसी पे चर्चा करने के लिए यहाँ पे छात्र नेता दुर्गेश प्रताप सिंह और चंद्रशेखर अधिकारी जी मौजूद हैं। चंद्रशेखर अधिकारी जी, मैं पहला सवाल यह है कि क्या यह छात्र परिषद लागू होने पर धन बल और बाहुबल में कितना अंकुश लगाया जा सकता है? देखिए, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे 92 साल के गौरव में शासन को खत्म करके छात्र परिषद लागू कर दिया है और इसके पीछे उन्होंने एक छात्रावास में हुई हत्या का कारण बनाया है और कहा है कि इससे आपराधिक जो षड्यंत्र हैं उन पर कमी हो जाएगी, लेकिन हमारा मानना है कि छात्र परिषद लागू होने के बाद आपराधिक गतिविधियों में और तीव्रता आएगी। जिस प्रकार से छात्र संघ के दौरान कुछ ही पलों के लिए जो आपराधिक हत्याएँ होती थी या षड्यंत्र होते थे, लेकिन छात्र परिषद होने के दौरान जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे छात्रों के द्वारा, उनको लगातार किडनैपिंग का, उन पर मर्डर का और उनको जो है विभिन्न प्रकार की धमकियों के जो सिलसिले होंगे वो लगातार बढ़ते नजर आएंगे। और विश्वविद्यालय प्रबंधन अगर चाहता है कि इस पर इससे जो है कमी आएगी अपराधी षड्यंत्र, ये उनका जो है गलत मानना है। मैं उनको एक बार फिर से चेतावनी देता हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपना तत्काल निर्णय परिवर्तित करें और शासन को बहाल कराने का कार्य करें। तो इसमें क्या छात्र संघ को लेकर जैसा कि एक चर्चा लगाया जाता था कि धनबल बाहुबल में कमी आएगी, क्या इसमें बढ़ोतरी हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपके जो पदाधिकारी नियुक्त होना चाहेंगे वो जो है निश्चित तौर पर जो है जो छात्र प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनको धन जो है उनको मुहैया कराएंगे, विभिन्न प्रकार का लोग और लालच देने का कोशिश करेंगे कि वो अब उनके पक्ष में जो है अपना निर्णय दें, अपना मत दें, तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे धनबल पर कोई अंकुश लगाया जा सकता। जैसा कि दुर्गेश जी हैं, मैं इनका भी जानना चाहूँगा कि क्या राय है और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कितना सफल रहेगा यहाँ पर छात्र परिषद। देखिए सर, आपने और बाहुबल धनबल या बाहुबल पर अंकुश लगाया जा सकता है या जो है कि मतलब किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया है? मैं सर्वप्रथम एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए कि क्या कभी किसी गरीब व्यक्ति को ब्लॉक प्रमुख होते हुए देखें? मैं ऐसा हजारों उदाहरण बता सकता हूँ कि जिसके पास एक अच्छा घर नहीं होता है वो भी सांसद हो पाता है और एक अच्छा जिसके पास साइकिल नहीं होती है वो भी जैसे विधायक बना है। आप बताइए कि किसी भी गरीब व्यक्ति को आपने ब्लॉक प्रमुख बनते हुए कभी देखा? आप नहीं देखा, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र अभी भी जिंदा है। हमारे यहाँ के आजमगढ़ के एक आलमबदी विधायक है जिनके पास बोला जाता है कि उनके पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं है और एक भी कार्यकर्ता नहीं, लेकिन वो भी 15 साल से लगातार विधायक है, लेकिन कभी भी एक भी उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे कि ब्लॉक प्रमुख का। रही बात धनबल और बाहुबल की, तो बाहुबल की बात ये होती है कि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव होता है। हम लोग अभी पूर्व पदाधिकारी थे एस के पांडे सर जो यहाँ पे 1963 के अध्यक्ष रहे, उनसे हम लोग कल मुलाकात करने गए थे, वो हम लोग बताए इसका उदाहरण दे के बताए, उनके समय में एक बहुत ही बाहुबली नेता हुआ अधिकारी सर, वो बताए कि उनके समय में बहुत ही बाहुबली नेता हुआ करते थे, हिंदू आश्रम में रहते थे। जब उनका काफिला निकलता था अध्यक्षी के लिए 1963 में तो 2000 लोग उनके साथ चलते थे और इन लोगों के साथ 300 या 400 लोग बहुत मुश्किल से हो पाते और जिस दिन रिजल्ट आया 159 मत हो पाए और एक जो पढ़ाई लिखाई करने वाला जो गोल्ड मेडलिस्ट था अपने डिपार्टमेंट का वो समझ है चुनाव, तो ये कभी भी संभव ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि छात्र संघ का जो चुनाव होता है सीधे छात्र संघ का जो प्रतिनिधि चुना जाता है, सीधे छात्र संघ का जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो डायरेक्ट जो है लड़कों के द्वारा चुना जाता है, उनके समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर पाता है कि मैं ही हूँ, जो हूँ वो मैं। और छात्र परिषद में क्या होगा कि उसके तमाम तरीके के लोग रहेंगे जो उसको विपरीत भी मतलब अन्य अन्य तरीके से मतलब चाहे किडनैपिंग का मामला हो, चाहे उसको धमका के, चाहे पैसा दे के, किसी भी तरीके से आप उसको प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से उसमें जो छुटपुट मतलब घटनाएं होती हैं
उससे बचने के लिए या उसका निस्तारण करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रशासन है और इलाहाबाद प्रशासन है जो मतलब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए या उससे बचने के लिए वो यही आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे तमाम गतिविधियाँ होती हैं। आप मुझे एक सवाल बताइए कि अगर एक मर्डर के नाते या थोड़ा सा हिंसा के नाते छात्र चुनाव बंद करा दिया जाता है तो आप बताइए इस समय पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा अपराधी है? भारत के लोकतंत्र में जो इस देश का लोकतंत्र है जो संसद भवन है उसमें 70 से ज्यादा अपराधी जिनके ऊपर 302 के मुकदमे, तो बताइए ना मुझे पार्लियामेंट भी बंद करा देनी चाहिए। अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं होता है तो मुझे लगता है शिक्षक संघ का चुनाव बंद करा दीजिए, यहाँ पर लोकतंत्र का जो चुनाव होता है जो सांसद का चुनाव होता है उसको बंद करा दीजिए, विधायक का भी चुनाव बंद करा दीजिए। आज सरकार ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लेके आ रही है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लेके आ रही है और आज छात्र संघ बंद कराया जाता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी के जो टीचर हैं जो आटा संघ के टीचर हैं अपना संघ बनाया कि टीचरों का संघ रहेगा, वकील का चुनाव होता है वकील बताते हैं हमारा वकीलों का संघ रहेगा, तो छात्र संघ क्यों नहीं होता, क्यों छात्र परिषद होनी चाहिए, क्या कारण इसका? मेरा लास्ट सवाल है कि छात्र परिषद के बाद जो छात्रावास की स्थिति बनी जाती है कि जैसा कहा जाता है कि यहाँ पे अराजक तत्वों की अधिकता हो गई है, क्या छात्र संघ के नाते ऐसी स्थिति बनी थी और छात्र परिषद के नाते ऐसी स्थिति खत्म हो जाएगी? मैं आपका जवाब जो थोड़ा सा लंबा देना चाहता हूँ। हम लोग जो अपने गांव में पढ़ते थे तो हमारे क्लास में 70 बच्चे, हमारे स्कूल में एक नए टीचर आए, 3 दिन में उन्होंने 70 लोगों का नाम याद कर लिया, क्योंकि 70 लोगों को पढ़ाते थे 45 मिनट उनके साथ। आप मुझे बताइए इस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जितने हॉस्टल है 150 से ज्यादा किसी में कमरे नहीं, कोई भी अधीक्षक वहाँ पे रहता है अगर वो 10 दिन रह ले तो वो ये जानकारी कर लेगा कि 150 रूम में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, है? तो बताइए कि सब अधीक्षक को पता होता है, सब प्राक्तर को पता होता है कि हॉस्टल में कितने अवैध लोग रहते हैं, किस प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन क्या बताइए कि कार्रवाई करते हैं? आप बताइए अगर आप एक महीना किसी भी जगह पर रह लीजिए आपके सामने 150 कमरे हो तो आप उसकी जानकारी नहीं लगा सकते कि कौन से कमरे में कौन रह रहा है आपके नजर के सामने, बल्कि मैं ये कहूँ जिनके संरक्षण में लोग वहाँ पे रखे जाते हैं अपराधी, पूरे इलाहाबाद को पता होता, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, तमाम हत्या हुई सबको पता था कि वहाँ पे 4 रूम पर कब्जा किया गया था, अभी भी तमाम हॉस्टल जहाँ पे कब्जा किया जाता है, ये पूरा इलाहाबाद नहीं बल्कि लगभग पूरे उत्तर प्रदेश का शासन जानता है कि यहाँ पे ये माफिया रहते हैं, वहाँ पे वो माफिया रहते हैं। आप बताइए आप उसका आरोप लगाने की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो अवैध रहते हैं। अधिकारी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे कहा जाता है कि छात्र परिषद लागू होने से क्या छात्र और छात्र नेताओं की आवाज को दबाने का काम किया जाएगा? क्या आवाज को दबाने का कार्य तो नहीं हुआ, क्योंकि जो भी प्रतिनिधित्व आएगा वह निश्चित ही एक जिम्मेदारी पूर्व अपना जो भी कर्तव्य होगा उसको निभाएगा, लेकिन जो छात्र संघ और छात्र परिषद में जो अंतर उसको हमें निश्चित रूप से समझना होगा। हमारे भारत देश में संसदात्मक शासन प्रणाली को लागू किया गया जिसमें प्रधानमंत्री हमारा जो है देश का वास्तविक जो है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्रपति में, और जब अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हमारे यहाँ लागू नहीं, लेकिन जो छात्र परिषद विश्वविद्यालय प्रशासन चाहता है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का एक नमूना होगा, एक स्वरूप होगा जो निश्चित तौर पर से एक अप्रत्यक्ष रूप से जो है लोकतांत्रिक चुनाव होगा जो हमारे देश में नहीं अपनाया गया, और विश्वविद्यालय छात्र संघ को राजनीति की नर्सरी कहा जाता है जिसे उस जो मुख्य पौधा है उस पौधे को देखते देखते जो है हमारे यहाँ से चीजें जो है निर्णय होती हैं वो तय की जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि छात्र परिषद लागू करने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन अपने जो रवैया है उसको बदलने वाला है, तो मैं चाहता हूँ फिर से आगे की रणनीति क्या आप लोगों की? आगे करने की ये है कि हमारे जो भी पूर्व शासन अध्यक्ष रहे हैं महामंत्री रहे हैं जिनका इस शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक गौरवमय इतिहास है, एक गौरवमय पद है, वो सभी हमारे साथ आए हैं, उन्होंने इस शासन बहाली में हमें अपना सहयोग प्रदान किया है,